इसमें अभी हमारा प्लान ये कि इस आर्टिका में पूरे बलून भर के बाहर गेट में लेके जाएंगे। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ग्राफी ग्राम में, काफ़ी ठंड है, पूरा नैनीताल तो यहीं बना पड़ा है कोहरे से। ये हमारे नब्बू भाई दोनों नब्बू पार्ट टू। हमारे भैया लोग देखो कितनी मेहनत करें, टेरेस में चढ़े पड़े हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरडी इवेंट वाला और मैं आज आया हूँ यहाँ पे ग्राफी गेरा पे, जो कि है हल्दी चौड़ पे। ग्राफी गेरा हिल यूनिवर्सिटी, नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है और ये एक मास शायद टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की। यहाँ पे एक फ्रेशर पार्टी 31 दिसंबर पे फ्रेशर पार्टी है, उसको ऑर्गेनाइज हम करवा रहे हैं आरडी इवेंट वाला। तो जैसा कि अभी हम पहुँच चुके हैं, भाई लोग हमारे सामान उतार रहे हैं और भाई लोग लगे पड़े हैं अभी। स्टेज बन रहा है, ये हमारा स्टेज बन रहा है और वो नवल भाई गए सामान जोड़ के। देखते हैं अभी क्या होता है। आज है 30 तारीख और आज ही से हम यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू कर दी हमने। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अभी ये स्टेज बन रहा है जो कि 16x20 का है और भैया लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखते हैं कैसा होता है और क्या होता है, दिखाते रहेंगे आपको, बने रहिए। भाई आ गए और ये है पूरी ग्राफी गेरा हिल यूनिवर्सिटी जो कि है हल्दी चौड़ बेबी पड़ाव पे। और ये पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेटेड यूनिवर्सिटी में से एक है उत्तराखंड की, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये स्टेज बन रहा है, भाई लोगों कुछ कहना चाहोगे? हेलो, हाँ अबे कुछ कहना चाहोगे कहा मैंने हेलो। ये हमारे नब्बू भाई जो कि आरडी इवेंट वाला की टीम से है और ये हमारे छोटे भाई, इसको तो जानते हो आप, ये हमारे नवल, ये हमें प्यारो साहब कह सकते हो इनको। और ये है यूनिवर्सिटी, करते काम शुरू और फिर मिलते हैं आपसे पूरा जो भी है सेटअप वेटअप रेडी करने के बाद, फिर दोबारा से मिलते हैं, तब तक ले बाय। ये है सौरभ भाई। बाकी एक है हमारा दोस्त नब्बू और इसको तो आप जानते होंगे। यह है गंगा क्रॉकरी के मालिक। बाकी यह है हमारा डेकोरेशन, अभी जो लगना नहीं है। यह है मेन गेट का, जो हमारा मेन गेट का लगना है पाइप। हाँ तो अभी बज रहा है 8 और हम हैं ग्राफी गेरा में और यहाँ पे हमारा काम चल रहा है और अभी मुझे लगता है कि हमें 2-3 घंटे और लगने वाले हैं। और हाँ ये नब्बू भाई का रिएक्शन देखो, जब 2-3 घंटे बोला तो। ये हमारे दो भाई, ये हमारे नब्बू भाई है, ये हमारे छोटू भाई है। ये है तो छोटू लेकिन हो बहुत बड़े गए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये अभी हमारा डेकोरेशन का काम चल रहा है, बलून्स लग रहे हैं अभी, काफ़ी हमने लगा दिए वहाँ, आप देख सकते हैं इसे ग्राउंड में, और काफ़ी टाइम यहाँ पर भी लगने वाला है और देखते हैं क्या होता है। 31 को है हमारा इवेंट जो कि है ग्राफी केरा में और फ्रेशर पार्टी है। और नवल भाई को आप देख सकते हैं कैसे ऊपर चढ़े हुए। नवल भाई ये है बंदर, ये बंदर का प्रो वर्जन, गुब्बारे ला फुग्गे ला का। ये है हमारे छोटू भाई, भाई लिया। और ये है हमारे छोटू भाई, अभी से हमने कल की तैयारी कर दी है, करीबन 8 बज रहा है और अभी से यहाँ पे हमने बलून लगा दें क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से यहाँ पे प्रोग्राम है, तो कल हमें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो हमने अभी से जो जो हम कर सकते थे अपना कल के लिए काम हल्का हमने कर दिया है। और ये अभी हमारा स्टेज कल सुबह मॉर्निंग में रेडी होगा, हमने स्टेज तो बांध दिया है, अब जो हमारे लड़के हैं वो कल सुबह मॉर्निंग में आके इसमें टेरेस बच जाएगा। और इसमें काफ़ी बार काम अभी है लेकिन मुझे लगता है 1-2 घंटे का काम इनका सुबह का है और इसमें मैट बिछेंगी। ये ग्राफी गेरा हिल यूनिवर्सिटी है जो कि हल्दी चौड़ पे है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, समय हो रहा है 7 और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ग्राफी गेरा में, काफ़ी ठंड है, पूरा नैनीताल तो यहीं बना पड़ा है कोहरे से। आप देख सकते हैं सुबह मैं और मेरी टीम पहुँच चुकी है। ये हमारे नब्बू भाई दोनों नब्बू पार्ट टू भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोहरा है, ठंडा इतना है कि काम करने का जैसा हो नहीं रहा है। और हमारे भैया लोग देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, टेरेस में चढ़े पड़े हैं। देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे प्रोग्राम जो है 10 बजे से स्टार्ट है तो हमें यहाँ पे 9 बजे तक काम करके देना है एनी हाउ।
क्योंकि एकेडमिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से, बच्चे आने लग जाएंगे, तो इसलिए मैं 9 बजे से पहले पहले इसे फाइनल करना। देखिए कितना सारा कोहरा है, कोहरा कोहरा है, कोहरा ये है हमारा एक कोहरा छोटा कोहरा ये वही है, ये सन्नाटा। और ये हमारे एक भैया चर्चित भाई जो इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और ये हमारा स्टेज जो तैयार हो रहा है। भैया लोग काफ़ी मेहनती हैं और सबसे मेन की कमिटेड है अपनी बात पे। सुबह आने को बोला था तो भैया हमसे पहले पहुंच गए, तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी कि अपने काम के प्रति समर्पित लोग होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। ये है पूरी यूनिवर्सिटी, पहुंच गए हमारे डीजे वाले बाबू, ये हमारे पार्टनर जो कि हमारा डीजे वीजे सारा काम देखते हैं। और भैया सब देखो कितनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह देखो इतनी सुबह उठने का कितना मन भी नहीं होता और सुबह सुबह पहुंच गए। वैसे हमसे अच्छे तो भैया ये लोग हैं जो ये सुबह हमसे पहले पहुंच गए थे। और ये भैया पूरा सेटअप लेके आते हुए अपना, बाकी अभी हमारा स्टेज शो बन के रह रही है, मतलब अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा है कि आज यहाँ पे धूप आने वाली है, तो धूप को आने में बहुत टाइम लगने वाला है। और नवल भाई हमारी गाड़ी लाते हुए, इसमें अभी हमारा प्लान ये है कि इसका आर्टिका में पूरे बलून भर के बाहर गेट में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्कूटी से ले जा रहे बहुत ठंडा है, इसलिए हम सोच रहे कि कार में ही भर के बलून लेके जाए। नया कर रहे हैं ये आगे बलून, और ये कार के अंदर बलून भर के ले जा रहे हैं हम बाहर गेट के लिए, क्योंकि गेट है बहुत दूर और पैदल चलेंगे तो टाइम काफ़ी बर्बाद होगा, इसलिए हम गाड़ी गेट लगते हुए देखेंगे। आप दौड़ते हुए गेट देखोगे आप। हेलो गाइस, गर्म हो रहा है ये गेट अपन के है रेडी, जो अभी तक भाग रहा था गेट वही है, लग चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है लगने के बाद। और ये है एकेडमिक ब्लॉक जो कि कॉलेज की एंट्री है यहाँ पे, और वो खड़े हमारे नब्बू भाई, चर्चित भाई और नब्बू स्क्वायर। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जहाँ पे आज हमारा यहाँ पे फ्रेशर पार्टी का काम था, तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया आर डी इवेंट वाला ने। ये था जो हमारा एंट्रेंस है यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक, ये हमने गेट बनाया हुआ था, और अभी आके दिखाते हैं आपको कैसा कैसा इवेंट है यहाँ पे। थोड़ी और डाल दे फ्रिज में आइस क्यूब भी निकाल दे, हाथ में लेकर